अब होंगे बहुत सारे फैन जो कि होंगे Xiaomi के वीडियो का थंबनेल देख के जो है वीडियो में आते ही डिसलाइक कर देंगे। देखो सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, समझ में आए तो लाइक करना, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय, इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। मैंने लिखा है थंबनेल पे, आप वेट नहीं करो नोट 9 प्रो का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मिस्टर मनु कुमार जैन ने यहाँ पे ट्वीट करके बहुत सारे जो है हमें इंडिकेशन दिए दिए हैं रेडमी नोट 9 को लेके। अब बताया है कि यहाँ पे जो है 9 वाले मॉडल का जो है 3 मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। अब रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स जो है कन्फर्म है। अब तीसरा डिवाइस कौन सा होगा, रेडमी नोट 9 होगा या फिर जो है रेडमी 9 होगा, तो इस बात का जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब देखो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के जो है हमने डिटेल कंफर्मेशन जो है हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। अब जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 9 प्रो के, जो कि 99.99% जो है स्पेसिफिकेशन कंफर्म है। अब ये कंफर्मेशन आती है जो कि लीक करते हैं या फिर ट्विटर से कोई गैस करता है, तो देखो यहां से कंफर्मेशन आती है जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म सी है, तो वो डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, जो कि है Redmi Note 9 Pro का कुछ जो डिजाइन है वो ये वाला होने वाला है। मतलब Redmi Note 9 Pro का ये डिजाइन जो है काफी टाइम से लीक है, मतलब जब से कंफर्मेशन भी नहीं थी कि 12 मार्च को लॉन्च होने वाला है, उससे पहले ये वाली फोटो जो है लीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट कंफर्म सी है, क्योंकि आपको यहां पे मिलेगा पंच होल डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले वाला आपको फोन जो है देखने को मिलेगा, जो कि होगा मिड के अंदर पंच होल वाला कैमरा। मतलब यार यहां पे जो है डिजाइन आप देख रहे हैं, इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच नहीं है, पंच होल है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो वीविंग एक्सपीरियंस होता है काफी अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में हमने जो है बैक डिजाइन देख ही लिया है, जहां पे आपको जो है बैक डिजाइन कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा, जो कि होगा चौकोर कैमरा जहां पर लगाए जाएंगे 4 कैमरा। में बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो बैक और फ्रंट डिजाइन दोनों में ही आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन जो है देखने को मिल सकता है। बैक में आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और हो सकता है कि फ्रंट में आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी जो है देखने को मिल जाए। अब फ्रंट ग्लास को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब बात करते हैं फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो Redmi Note 8 Pro में आपको मिला था 64 मेगापिक्सल का कैमरा, और Redmi Note 8 Pro के बाद में Redmi Note 9 Pro आ रहा है, तो हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट उतना कैमरा तो आया ही, या फिर जो है उससे अपग्रेड हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जो है Xiaomi अपने Redmi Note 9 Pro को जो है डाउनग्रेड करने वाला है। मतलब अब यहां पर Xiaomi की मुझे ये लग रहा है कि स्ट्रेटजी जो है ये है कि Redmi Note 8 का अपग्रेड वेरिएंट जो है यहां पर Redmi Note 9 Pro बना दिया जाए, और Redmi Note 8 Pro का जो अपग्रेड वेरिएंट होगा ना वो मैक्स वाला वर्जन बना दिया जाए, उनकी जो स्ट्रेटजी है मुझे ये लग रही है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे यार Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9 Pro का अपग्रेड होगा, तो यार ऐसा देखो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आपको बता दूं Redmi Note 9 Pro में जो कैमरा होने वाला है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो कि कंफर्म है। अब यहां पर जो है सेंसर कौन सा यूज किया जाएगा, जो कि है सैमसंग का सेंसर GM2, मतलब GM1 पहले आता था 48 मेगापिक्सल के साथ में, लेकिन ये नया सेंसर इंट्रोड्यूस किया है सैमसंग ने, जो कि है सैमसंग का सेंसर 48 मेगापिक्सल का GM2 वाला। अब देखो क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी नहीं होगी, वो तो जब फोन हाथ में आएगा तभी हम आपको जो है बिल्कुल से डिटेल में बता पाएंगे। बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा की, जो कि होगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि वाइड एंगल शॉट जो है अच्छे से कैप्चर कर लेगा। थर्ड वाले कैमरे की बात करते हैं तो 5 MP का, जो कि होगा मैक्रो लेंस, एंड फोर्थ वाला कैमरा होगा 2 MP का, जो कि होगा डेप्थ को कवर करने के लिए। अब देखो फ्रंट वाला कैमरे की जो डिटेल थी बाहर तो नहीं आई है, हो सकता है कि 16 MP का हो सकता है 20 MP का हो, तो वहां पे फ्रंट वाले कैमरे में जो है कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बात करते हैं चिपसेट परफॉर्मेंस को लेके, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं Realme 6 Pro में, जहां पर आपको चिपसेट जो है देखने को मिलेगा वो है स्नैपड्रैगन 720G, जो कि ये चिपसेट जो है काफी टाइम से लीक होकर घूम रहा है। मतलब 720G आएगा, 720G आएगा, 720G आएगा, और मिस्टर मनु कुमार जैन ने ये बोला था कि हम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट वाला फोन जो है इंडिया में जो है जल्दी आने वाला है, तो हो सकता है कि Redmi Note 9 Pro जो है यहां पर स्नैपड्रैगन 720G के साथ में जो है आने वाला है। मतलब ये कंफर्म से स्पेसिफिकेशन ही है यार, मतलब अभी भी हम जो है कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं, मतलब हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है यार, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन जो है कंफर्म से हो गए हैं। अब जो है स्नैपड्रैगन 720G को कंपेयर करते हैं हेलियो के G90D से। अगर आप सिर्फ गेमर हो, मतलब आप गेम खेलने के लिए फोन ले रहे हो, तो आपके लिए हेलियो G90D जो है चिपसेट ज्यादा बेटर है। और अगर आप जो है गेमर नहीं हो, मतलब गेम को ज्यादा खेलते नहीं हो, खेलते हो कभी कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है दूसरे काम जो है ज्यादा करते हो, जैसे ब्राउजिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी जो है बहुत सारे काम और बहुत सारे एप्लीकेशन होती हैं, अगर आप वो सब यूज करना चाहते हो तो स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट जो है ज्यादा बेटर है। अब देखो यार यहाँ पर डिटेल में तो कंपेरिजन जब सामने फोन अवेलेबल होंगे तभी हम जो है कर पाएंगे, लेकिन आपको बता दूं गेमिंग के लिए हेलियो G90D बेटर है, दूसरे वर्क के लिए एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशन के लिए ब्राउजिंग
के लिए वगैरह वगैरह जो भी है दूसरे काम उसके लिए बेटर है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G। अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30 है, सैमसंग गैलेक्सी M31 से कंपैरिजन करने के लिए आपको यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो में बैटरी जो मिलेगी वो होगी 5200mAh की बैटरी। लेकिन इस 5200mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको जो इनबॉक्स चार्जर मिलेगा वो होगा ओनली 18W का, मतलब जो कि 3 घंटे ले लेगा चार्ज करने में आराम से, ऐसी कोई दिक्कत सी हमें, मतलब काफी टाइम हम देख चुके हैं M31 के अंदर। अब बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस में डिटेल वाली बात, मतलब जो कि काफी आपके हेल्प कर सकती है इस फोन का वेट नहीं करने का रीजन। देखो अब बता दूं यहाँ पे जो एक सब फोन का जो रिफ्रेश रेट होगा ना वो होगा 60Hz, मतलब अब जो है रियलमी 13,000 रुपए की प्राइस में आपको जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको जो है 90Hz के साथ में दे रहा है, लेकिन आपको रेडमी नोट 9 प्रो में जो है 60Hz का ही रिफ्रेश रेट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा मतलब जो है कमी कर दी गई है और यहाँ पर जो है कैमरा तो डाउनग्रेड कर ही दिया है। सिर्फ हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है चिपसेट में जो है दूसरा मतलब चिपसेट भी ऑलमोस्ट इक्वल है थोड़ा, लेकिन वर्कलोड चेंज कर दिया है। अगर आप गेमर नहीं है तो आप जो है ये फोन जो है जरूर से बाय कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे हमने जो है डिटेल में बताया, अगर फिर भी आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो जरूर से आप जो है डिसलाइक कर दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यार ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, कमेंट करना आपका क्या मानना है इस Redmi Note 9 Pro के स्पेसिफिकेशन को देखते हुए। क्या आपको लगता है कि ये जो है 14-15 हज़ार रुपए की प्राइस में आएगा या फिर जो है 11-12-13 हज़ार रुपए की प्राइस में आएगा, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।